हेलो, नमस्कार। यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं। पनीर वाला हम बनाएंगे रोल। तो हम थोड़ा सा सब्जी डालेंगे, ज़्यादा सब्जी नहीं बना रहे हैं क्योंकि ये वेजिटेबल वाला पनीर रोल नहीं है। सिर्फ पनीर में थोड़ा सा कैप्सिकम, टमाटर, प्याज मिक्स कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करती हूँ। मैं 1 कप आटा या मैदा आप ले सकते हैं। अगर मैदा नहीं खाते हैं तो आटा भी बना सकते हैं। मैंने मैदा ले ली और इनमें डालेंगे चुटकी भर नमक, क्योंकि हम रोल की जो पनीर का जो मसाला बनाएंगे ना टॉपिंग, तो उसमें भी हम नमक मसाला ऐड करेंगे, इसलिए हम थोड़ा सा डाला। और 1 चुटकी शुगर यानी चीनी, और हम डालेंगे इनमें आधी चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप घी भी डाल सकते हैं, बटर भी डाल सकते हैं। तो पहले हम डो तैयार कर लेते हैं, फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, पनीर का जो हम टॉपिंग बनाएंगे। बनाएंगे। अभी हम इनमें ऑयल और शुगर और नमक ऐड करने के बाद थोड़ा मिक्स करके हम डालेंगे थोड़ा सा मलाई और 1 चम्मच मलाई और जो मिल्क बचा था हम डाल दिए इनमें। तो इन्हें अच्छी तरह हम मिक्स करके एक सॉफ्ट सी डो लगा करके अभी आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। फिर उनका टॉपिंग वगैरह बना के हम जो पनीर का मसाला बनाएंगे, तो फिर उसके बाद हम रोटी जैसे बना करके इन्हें बनाएंगे पनीर रोल। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम चलिए दोस्तों, हमने और थोड़ा सा मोयम डाल करके इनको इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके डो लगाइएगा आटा, क्योंकि एकदम गीली ना हो जाए। ये देखिए, गीला होने से आपको ही दिक्कत आएंगे, क्योंकि फिर आटा और मैदा कुछ भी मिलाना पड़ेंगे। तो हम अभी इनको ढक करके रख देंगे 10-15 मिनट, आधा घंटा, आपके पास जैसे भी टाइम होगा बना चलिए सकते दोस्तों, हैं। हमने हमने जो जो सामान ले लिया, थोड़ा सा नींबू डालेंगे एंड में मसाला बनाने के बाद। 1 अंडा, 2 या 3, 4 अगर रोल बना रहे हैं तो 2 अंडे चाहिए। अगर 2 बना रहे हैं तो 1 में चल जाएगा। और थोड़ा सा कैप्सिकम यानी शिमला मिर्ची, थोड़ा टमाटर, और 100 ग्राम मैंने पनीर ले लिया, और मैंने 1 प्याज चॉपिंग कर चुकी हूँ, और आधा इसमें से डालेंगे। और ऐसे स्लाइस आधा कर लेंगे जैसे टॉपिंग में डालने के लिए, ऊपर में कच्चे। ठीक है, तो चलिए आप सब्जी डाल देते हैं, काट कर के ले लेते हैं। फिर हम कढ़ाई दोस्तों की ओर हमने चलेंगे। प्याज, टमाटर, कैप्सिकम को और पनीर को काट लिया बारीक चॉपिंग करके। अभी चलते हैं कढ़ाई की ओर। फ्लेम को ऑन करती हूँ मैं, और 1 चम्मच ऑयल जो बचा हुआ था हमारा उसको हम ऐड करते हैं। हम पहले ऐड करेंगे प्याज, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा क्रिस्पी भी रहे और क्रंची क्रिस्पी रहे, तब इस तरह हम सॉटे कर लेंगे बस। फ्लेम को पहले हाई रख दें, कढ़ाई एकदम पैन कढ़ाई जो भी रख रहे हैं एकदम गर्म हो जाए तो स्लो कर लें, नहीं तो जलने की चांसेस रहेगी। तो
चलिए हम अभी क्या करेंगे, हमारा प्याज जो है सॉटी हो गया है। अब हम ऐड करेंगे टमाटर, एक काट के बारीक ले लिया है, आप चाहे तो स्लाइस भी काट सकते हैं, इस तरह भी काट सकते हैं। टमाटर डालने के बाद फिर से मैं फ्लेम को 2 मिनट के लिए हाई कर देती हूँ ताकि टमाटर थोड़ा सा पक जाए। थोड़ा सा डालेंगे इनमें हरी मिर्ची, अगर आपको हरी मिर्ची पसंद ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं पूरी तरह, आप छीन लें। फिर हम ऐड करेंगे कैप्सिकम और पनीर, हम देर ना करते हुए मसाला मिलाते हैं। अभी मैं मिला रही हूँ नमक स्वाद अनुसार, आपको जितना नमक कम ज़्यादा खाना है आप डाल सकते हैं। और इन्हें भी हम 2 सेकंड के लिए भून लेते हैं। आप चिकन रोल भी बना सकते हैं, पनीर टिक्का रोल भी बना सकते हैं, और वेजिटेबल रोल भी सेप बना सकते हैं। जो मनपसंद वेजिटेबल है आपको पसंद है वो भी आप इस तरह बना करके टॉपिंग में डाल सकते हैं। तो हम अभी क्या करेंगे, हमने चिकन रोल भी डाल चुके हैं। मैं डाल रही हूँ चाट मसाला चैट वाला, और चिली फ्लेक्स डालेंगे थोड़ा सा, बच्चों को पसंद है ये, तीखी ज़्यादा नहीं होती है। और ओरिगिनो सीड्स, जो पिज्जा सीड्स होता है ना, वो भी हम ऐड कर रहे हैं थोड़ा, बच्चों को हमारा पसंद है बहुत। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है या तो बच्चों को पसंद नहीं है, आप ना डालें बिल्कुल भी। हम अभी क्या ऐड करेंगे, थोड़ा सा काली मिर्ची की पाउडर, घर में पिसा हुआ है काली मिर्ची को साबुत ले लें और इस तरह पाउडर फॉर्म में पीस लें, थोड़ा सा डाल दी हूँ। हम डालेंगे थोड़ा सा टमाटर केचप, यानी चिल्ली सॉस अगर पसंद करते हैं वो भी आप डाल सकते हैं। बस हमारा जो टॉपिंग पनीर रोल का बनके तैयार है। थोड़ा सा लास्ट में नींबू ऐड करेंगे हम, बस नमक कम ज़्यादा हो तो आप चेक कर सकते हैं टॉपिंग डालने से पहले। तो चलिए हम रोटी बनाना शुरू करते हैं। जो रोल की जो रोटी है वो हम बना लेंगे, थोड़ा ज़्यादा ना सुखाएं क्योंकि ड्राई ड्राई भी अच्छे नहीं लगते हैं, थोड़ा सा जूसीला रहे तो पनीर के साथ भी बहुत ही अच्छा टेस्टी लगता है। तो चलिए हम फ्लेम को ऑफ करते हैं, अभी बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आटा को चेक कर लेते हैं, 15 से 20 मिनट हो गए हैं, थोड़ा सा सूखा आटा इनमें लगा करके हम दो। चलिए दोस्तों हमने अभी 4 भाग में इनको 4 हम रोल बना लेंगे। हमने चिकन सल्फेस में, नहीं तो चटला में, या तो आप चॉपिंग बोर्ड में, किसी में भी आप इस तरह एकदम ट्रांसपेरेंट सा जो रोल का, जो क्या कहते हैं, रोटी बेस जो भी बोलते हैं, इनको इस तरह बना ले। आप देख सकते हैं एकदम ट्रांसपेरेंट सा है। दोस्तों हमने एक तवा रख दिया है हॉट करने के लिए, पहले हम बॉईल कुछ नहीं लगाएंगे। जब तक हम रोल की बेस बना रहे हैं तब तक हम 2 अंडे को
फोड़ करके फेंट लेते हैं। थोड़ा सा नमक डालेंगे इनमें, नमक थोड़ा संभाल के, क्योंकि हमने बहुत नमक डाल चुके हैं उसमें, जो हमारा रोल की जो टॉपिंग बनाया। और इस तरह इनको फेंट ले अच्छी तरह से मिक्सर से, नहीं तो एक फोर्क से। हमारा रोल की रोटियां बन रहे हैं, तब तक हम और एक रोटियां बना लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अगर बनाने के मन हो तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं पड़ता है, क्योंकि खाने की भी मन है, बनाने की भी मन है, तो बड़ी आसानी से बना लेते हैं सब लोग ने। चलिए दोस्तों, हमने एक रोटी तो बना लिया है, अब घी से, ऑयल से, किसी भी तरह से बना सकते हैं, कम ज़्यादा आपको जिस तरह आप पसंद करते हैं उसी तरह आप बनाइएगा, क्योंकि कोई ऑयल ज़्यादा खाते हैं, कोई कम खाते हैं, आपका अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं, किसी का क्या सुनना है ना। तो चलिए अभी देखिए, हमने एक साइड का ऑयल दो साइड में लगा लिया ना, और इस तरह हम बना लेंगे एक एक करके चारों रोल, क्योंकि हम दो लोग के लिए बना रहे हैं। अगर आपके घर में ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा बनाइएगा, है ना। तो चलिए हम अभी ऐड करेंगे अंडे। दोस्तों, हमने पहले वाले जो रोल हम बना रहे हैं और दूसरा जो बेस है हमारा, वो हम डाल देते हैं तवा में, वो धीरे धीरे बनता रहेगा। ये देखिए एकदम ट्रांसपेरेंट सा है, कोई दिक्कत नहीं है बनाने में, ठीक है। तो हम अभी चलते हैं, हम बनाएंगे थोड़ा सा मेयोनीज डालेंगे, विवाह वाली कोई भी आप मेयोनीज, ये मिक्स वाली है, कोई भी डाल सकते हैं, बच्चों को यही ज़्यादा पसंद है, वाइट वाला भी डाल सकते हैं मेयो। तो चलिए हम इसका जो टॉपिंग है इन्हें इस तरह डाल देते हैं। आपको ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डालिएगा, कम पसंद है कम डालिएगा, टॉपिंग डालने में कंजूसी मत करिएगा। और मैं थोड़ा सा और ओरिगिनो जो है ना, वो थोड़ा सा और डाल देती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे को बहुत पसंद है। थोड़ा सा नींबू की जूस डालते हैं, और हमने रखा था प्याज को स्लाइस करके कच्चे वाले, वो भी आपको अगर पसंद नहीं है कच्चे वाले प्याज तो आप स्किप कर सकते हैं, पूरी तरह ऑप्शनल है। तो चलिए हम अभी कैसे करेंगे इनको, इसी तरह रोल करके देखिए, एकदम से कुरकुरे और क्रिस्पी बनी हुई है हमारा जो पनीर रोल। इस तरह हम सारे पनीर रोल को बना लेंगे, और देख सकते हैं आप, बच्चों को तो बहुत पसंद आते हैं, बड़ों को भी पसंद आते हैं, ऐसे बात नहीं है जो बड़े नहीं खाते हैं, सब लोग को पसंद आते हैं। ये देखिए इस तरह हम एक एक करके बना लेंगे सारे। हम और एक बना के दिखा देते हैं। मैं एक साइड में डाल रही हूँ ऑयल, और उनमें हम क्या करेंगे, दो साइड का मैनेज कर लेंगे, ठीक है। आपको दो साइड में चाहिए तो दो साइड में भी आप डाल सकते हैं, मैंने पहले भी बोल चुकी हूँ। अदरवाइज आपको नहीं खाना है तो ऑयल आप ऐसे भी बना सकते हैं,
एकदम ड्राई लगेगी, लेकिन मेयोनीज डालने के बाद ना बहुत ही सॉफ्ट, और जो सब्जी में हमारा जो शीला रखे हैं वो भी अच्छा लगेगा। इस तरह स्प्रेड कर लेते हैं अंडे को। जब अंडे डाल करके एक डाल करके आप थोड़ा सा फ्लेम को हाई कर दें, चलिए दोस्तों हम और एक बना के दिखा देते हैं। अगर आप मेयोनीज पसंद नहीं करते हैं तो मत डालिएगा, ऐसे ही रहने दीजिए, वो भी अच्छा लगती है। तो चलिए हम अभी इसमें डालेंगे ओरिगैनो और थोड़ा सा प्याज स्लाइस, थोड़ा सा नींबू की जूस। बस बन गया है हमारा रोल, पनीर रोल। तो चलिए दोस्तों हमने चारों के चार बना लिए हैं दो लोग के हिसाब से। आप भी बनाइए, खाइए और मेरा चैनल देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।